स्ट्रॉन्ग विचार हैं और मुझे लगता है बहुत सारे लोग सहमत भी नहीं करते हैं और फिर उस करके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं. लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा तो प्रोत्साहन मिलता है कि जो हमारा बहुत ही जो दकियानूसी और पुराना जो लॉ सिस्टम है जिसमें कि चीज़ें फाइल में जाती जाती हैं फिर चलती ही जाती हैं और कई सालों तक जो है लग जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो विक्टिम होता है उसकी जो हैरेसमेंट लॉ और पुलिस करती है. क्योंकि जब भी आप किसी पे कोई भी आरोप लगाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन यू. तो फिर जो बच्चियों का जो शोषण होता है कि कहाँ थाई पे हाथ लगाया था या घुटने पे था कि कंधे पे था या ब्रेस्ट, वो जो पूरा एक कई सालों दस सालों आपको ये चीज़ प्रूफ करते हुए, उसमें क्या है आधे से ज़्यादा लोग बचते हैं पुलिस में कंप्लेन करने से. तो कई आरोपी निकल जाते हैं और आधे से ज़्यादा जिनको पनिशमेंट मिलती भी है एक माइंड एक बिल्कुल जैसे कि अब मुझे लगता है कई देश हैं हमने देखे हैं सऊदी वगैरह में सीधा उनको चौराहों पर लटका देते हैं. मुझे तो लगता है इस तरह के जब तक हम 5-6 एग्जाम्पल्स खासकर जो गैंग रेप्स होते हैं सेट नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो अभी तो मुझे लगता है लोग जो है किसी भी चीज़ की खुंदक निकालने के लिए छोटे मोटा अगर प्रेम प्रसंग भी टूटा हो उसके लिए भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं बिकॉज इट्स सो इजी टू कैच.